बेहतरीन मॉडल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमें इसमें यूज़र मैनुअल एक देखने को मिल जाता है जो कि इसकी इन्वर्टर की सब सिस्टम हमें समझाता है, फॉल्ट वगैरह जो है इसके अंदर यूज़र मैनुअल में जो फॉल्ट कोई चीज़ हर चीज़ में लिखी होती है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर केबल इसके अंदर होती है जो कि कोई भी किसी भी टाइम आपको सॉफ्टवेयर करने के काम आ सकती है। उसके बाद इसके अंदर एक वारंटी कार्ड हमें देखने को मिल जाता है जो कि इसकी वारंटी हमारे को क्लेम करवाने में सहूलत देता है। 2 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है और 3 साल इसकी सर्विस वारंटी है। इनवेरिस कंपनी की 2 साल पार्ट्स वारंटी है और 3 साल इसकी सर्विस वारंटी है। उसके बाद हमें इसमें एक सॉफ्टवेयर केबल देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं इन्वर्टर की, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में हमें रेड कलर में इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। इन्वर्टर की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको इन्वर्टर का लोगो देखने को मिल जाएगा, वेरोन 3.2 और काफ़ी बड़ी LCD टच स्क्रीन जिसके ऊपर RGB लाइट लगी हुई है जो कि आपको दूर से ये बताती है कि इन्वर्टर इस टाइम किस मोड पर काम कर रहा है, और टच स्क्रीन है इसके अंदर। बात करें अगर इसके सोलर MPPT के बारे में तो इसमें 3.2 का इन्वर्टर है जिसमें 5,500 वाट सोलर MPPT लगा हुआ है, 5,500 वाट सोलर MPPT इसमें लगा हुआ है, और 3.2 आप इस पर 3200 वाट का पूरा लोड आप इस पर चला सकते हैं। चार्जिंग एम्पेयर की AC चार्जिंग की बात की जाए तो इसमें 80 एम्पेयर का AC चार्जर लगा हुआ है जो कि इसकी बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने में बहुत सहूलत देता है, बहुत कामयाब मॉडल है इनवर्स कंपनी का। साइड में इसके फिल्टर हमें देखने को मिल जाते हैं, बैट्स ऑन ऑफ का इसका स्विच है इस साइड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।